Hello and welcome you to all Motivation Juice channel. It is not just a channel made for motivation, it is a channel which is relevant to our studies. In this channel, I'll provide you two different videos relevant to our syllabus. One will be the most important Delhi 20 general awareness session video and another will be 20 current affairs session video. As you have read the thumbnail, this is the general awareness top 20 general awareness questions. आज ये जो सेशन है ये हम लोग हिंदी में रखे हैं. आई होप आपको पसंद आएगा. आई होप यू वुड लव टू गिव योर 100% एंड योर 100% सपोर्ट टू आवर चैनल. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर डैट इज़ यूएन चार्टर. यूएन चार्टर में कुल 19 अध्याय हैं और चार्टर और जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डायट. ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम. इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा मौलाना हजरत मोहानी ने दिया. इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हजरत मोहानी. आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? यह राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन में भी अपना हाथ बटाया. सती प्रथा उन्मूलन का नाश किसने करा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन का खात्मा किया. राजा राम मोहन राय ने जो विधवा प्रथा थी उसको ख़त्म करा था. उनकी भाभी को जला दिया गया था इस कारणवश. और अथर्ववेद का संबंध किससे है? अथर्ववेद का संबंध जादुई सूत्र से है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. महाराजा धीराज की उपाधि किनके द्वारा धारण की गई थी? अब जाहिर से बात है महाराजा धीराज माने राजा होगा. राजा के द्वारा अपनाई गई महाराजा धीराज की उपाधि थी. ये किनके द्वारा अपनाई की गई धारण की गई? ये है चंद्रगुप्त पहले के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. किन राज्यों पर राजा प्रेस जनित का शासन महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई चंद्रगुप्त पहला के द्वारा? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. किन राज्यों पर राजा प्रेसजनित ने शासन करा? यह है कौशल पर प्रेसजनित राजा ने शासन करा. 100 साल तक लड़ाई किन दो देशों के बीच में लड़ी गई? तो 100 साल की लड़ाई दो देशों के बीच में लड़ी गई थी, वो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 साल की लड़ाई चली. ठीक है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेज़ों को भारत का आधिकारिक भाषा बनाया गया? ठीक है, यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये किया गया. ठीक है, पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई भारत में? तो पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे लाइन शुरू की गई. ठीक है, दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? ये हुई थी वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिकल फील्ड में दिया जाता है. ठीक है, भारत में पहली अंग्रेजी समाचार पत्रिका के पत्र के संस्थापक कौन थे? ये हैं जेम्स ए हिक्की. ठीक है, जेम्स ए हिक्की थे. और सिलिकॉन चिप का आविष्कार किसने करा? तो सिलिकॉन चिप्स का आविष्कार जे एस किल्बी ने किया था. सिलिकॉन चिप्स हमारे कंप्यूटर में होता है चिप, दैट इज़ जे एस किल्बी ने उसका आविष्कार करा. आयोडीन टेस्ट किसकी उपस्थिति में बदलता है? ठीक है, आयोडीन टेस्ट स्टार्च की उपस्थिति में बदलता है. पानी को शुद्ध करने का तरीका क्या है? पानी को शुद्ध करने का तरीका है क्लोरीनेशन से पानी शुद्ध होता है. एफिनिटी सबसे अधिक किस में होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अच्छे से जानते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, दैट इज़ क्लोरीन में. और क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. FClBrI80
एफ सी एल बी आर आई ए टी दैट इज़ क्लोरो नेगेटिव एलिमेंट्स, एफ सी एल बी आर आई ए टी, एफ फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। मैलिक अम्ल में होता है कौन सा एसिड? मैलिक एसिड किस फल में होता है? ऐसे आप याद कर सकते हैं, सेब में होता है मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मछली का वैज्ञानिक नाम? सबसे बड़ी मछली हम लोग जानते हैं जो कि वेल है, और वेल का रासायनिक नाम है रिनकोडन टाइपस, रिनकोडन टाइपस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी में कौन सा रोग होता है? मरकरी मेनामाटा रोग। और हम लोग के ग्रह भी है मरकरी, जो कि 88 डेज रिवॉल्व करती है, 88 डेज में सूर्य का चक्कर लगाती है मरकरी। हम लोग के प्लैनेट एक पूरा सोलर सिस्टम में एक पार्ट है, ठीक है। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक से कैंसर रोग होता है। तो आज की ये 20 क्वेश्चंस, आई होप यू ऑल लाइक इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल फॉर मेनी मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका दिन शुभ हो, होप अच्छा जाए सब कुछ।